जय राम जी के दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुरोगामी एमपी 11 पर। तो दोस्तों आज मैं एक और नया लेटेस्ट व्लॉग लेकर आ गया हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। भाई ये ढंग से ले जा रहे पटला में। तो मामला है डैम का, अपने स्टोक डैम का, और अपने स्टोक डैम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सारा सिस्टम ततुम्बा जोड़ा गया है। तो मजा आएगा आज डैम में उतरेगा ही। आज देखोगा मजा आएगा। हाँ नहीं, काई करेगा भाई? माई तो पानी उतरेगा। हाँ काना काई करेगा, ढूंढेगा माई तो काना। अच्छा काना ढूंढेगा नहीं तो डैम में काना होगी। हाँ डैम तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे डैम में, स्टॉक डैम में कहीं से लीकेजिंग है, तो उसके लिए चेक करने के लिए अंडर वाटर वाले भाई साहब आए। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीपाल सिंह। कहाँ से हो आप? जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यूपी से आयो? वाह यार, हमारे एमपी में आपका स्वागत है भाई साहब का बहुत। और ये आए हैं डैम की लीकेजिंग चेक करने के लिए, तो अब देखते हैं, अभी तक देखा तो नहीं है कैसे चेक होती है। गाड़ी तो अंदर जाएंगे, आप कैसे जाएंगे पता नहीं, बाकी आप देखेंगे, इसमें आपको भी बताएंगे कि कैसा क्या मामला रहता है। तो बने रहना हमारे साथ, वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे कमेंट लाइक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये इंजन है, कंप्रेसर है ना हवा का, तो ये क्या है? ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन के लिए तैयार है। तो अंदर गैस होगी ना? नहीं। फिर अपने आप यही नेचुरल खींचता है ना, नेचुरल ऑक्सीजन खींचता है। और वो इंजन है किलोस्कल का, हीरो होंडा का, सॉरी जो भी है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो नली है वो ऊपर जा रही है। बाकी कोने खींच के ले जा। दे रमेश पकड़ जे, जा जाता जा। हेलो तो अच्छा है कि आसपास पब्लिक की भीड़ नहीं है, नहीं तो खेत पर पब्लिक होती है तो यहाँ देखने के लिए काफी दर्शनार्थी, मतलब दर्शक आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ नया मामला है हमारे हिसाब से। तो उस हिसाब से देख सकते हो, तो नली पूरी जा रही है। अब ये नली क्या है कि डैम के अंदर पूरे डैम में ही घूमेगी, तो लंबी चौड़ी है नली, लगभग लग रही है करीबन 700-800 फीट के समथिंग तो होगी। सही यहाँ पे इंजन स्टार्ट हो गया है, भाई साहब बहुत जल्दी में है शायद, ऐसा लग रहा है, मतलब फटाफट आए, इंजन स्टार्ट किया और चल निकले ऊपर, शायद इनको नहाने की जल्दी है। पंख लगा के उड़ जाऊं, नितर जाऊं। ये वाटरप्रूफ होता है क्या? तो ठंड भी नहीं लगती इसमें? यार तो भैया अपना नया पोशाक बोले तो, क्या बोलते हैं इनको? अच्छा अंडर वाटर सूट। सारी सारी रमेश जा, ठीक है जा रहे हो। कैमरा वगैरह नहीं लाए? मोबाइल से करोगे कैप्चर? हाँ तो अंदर वीडियो बनाएंगे भाई साहब, देखते हैं कैसी क्या क्वालिटी आती है, पर मोबाइल से कैप्चर करेंगे और वो मैं इस ब्लॉग में भी एडिट कर दूंगा भाई साहब से लेके, दे दोगे ना वीडियो? तो ठीक है, तो देखते हैं अंदर कैसे क्या वीडियो शूट होता है, अंदर क्या मामला रहता है, जहाँ पे भी लीकेजिंग है सूट पहनेंगे। मेरे को भी ले जाओ ना अंदर। नहीं ये पहना के तो वो ऑक्सीजन मास्क दो चाहिएंगे। अच्छा ये मतलब दो जा सकते हैं अंदर? तो ये हो गया है टेम्परेरी कैमरा तैयार, इनका कैमरा में कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी इस वजह से लेके नहीं, वो भैया बोल रहे थे शंकर भैया कि है इनके पास कैमरा, पानी चला गया था। तो ये अभी कैप्चर करेंगे मोबाइल से वीडियो अंदर की, तो ये बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है वापस कहीं और डैम पे जाना है इनको चेक करने के लिए, दसाई जाना है, यही मिस्टेक होगी ना। तो ये है अपना बड़ा सा स्टॉक डैम, और ये बताओ ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, यही मास्क है ना? हवा लेने का है। अच्छा हवा लेने का है ये, तो ये मामला है। ये कहाँ से दबाया था? अच्छा ये मंदा मंदा मुस्कुराहट तेरी भाई। तो ये बड़ा सा डैम और पूरा भरा हुआ था, बाकी दिक्कत ये है कि इसमें अंदर कुछ लीकेजिंग है, इस वजह से ना खाली हो गया,
लगभग 1 इंच रोज जा रहा था, तो भाई साहब को कांटेक्ट किया जिसने ये डैम बनाया, तो उन्होंने भी जल्दी से जल्दी भाई साहब अंडर वाटर वाले को पहुंचा दिया और अब चेकिंग चालू होगी इसकी। देखते हैं कितना बड़ा इसमें से वो लीकेज निकलता है, वो अगली वीडियो में पता चलेगा जब ये भाई साहब अंदर घूम के आ जाएंगे और कैसे रिपेयर करेंगे वो भी सारी वीडियो इसमें रहेगी। तो बने रहना, वीडियो देखना पूरी अंत तक। ये भाई साहब का वो कंप्लीट हो गए इतनी जल्दी। ये इन्होंने अपना अंडर वाटर सूट पहन लिया है जो वाटर प्रूफ होता है और शायद इसमें पानी वगैरह कुछ जाता ही नहीं है। सीमेंट तो गाड़ी से लिया, एसी कैसी बोरी रमेश जा। पंख लगाओ ना, मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, ये पहली बार देख रहा हूँ जो भी हो रहा है। अभी तक ना वीडियो में देखा ना रियल में, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी शूट करना, तो आपको भी मजे आ रहे होंगे है ना। उसके लिए नली बहुत लंबी चाहिए सात समंदर पार करने के लिए, तो समुद्र में काम किया है। वाह यार, तो भाई साहब का एक नया एक्सपीरियंस ये है कि इन्होंने समुद्र में भी काम किया है, तो बढ़िया है भाई, बिग सैल्यूट आपको मुंबई में। वाह यार, इसमें क्या लीकेजिंग होती है समुद्र में? अच्छा, कुछ ढूंढना होता है सोना चांदी। हाँ जहाज का है ना, सही है, नीचे से जाते होंगे। वाह यार, अब भाई साहब कूदेंगे, अब वो देखते हैं अपन कैसे क्या जाते हैं। इन्होंने नीचे जो पहना है ये क्या है भाई साहब? ये पाँव में स्पीड बढ़ाने के। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब बड़े पाँव कर लिए इन्होंने ताकि जैसे ही ये एक बार तैरने में समस्या नहीं आती है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये सर का है, ठंडा ठंडा लगेगा यार भैया, मन मार के पहनना है भाई ने। वाह यार, ये बन गए बिल्कुल राजा बाबू। मतलब बहुत अल्टीमेट लग रहे हो यार दिखने में। मतलब हम क्या बोलूं मैं आपको, हाँ फुल सेफ्टी तो जरूरी है ना, पानी में जा रहे हो, हवा पानी और आग के भरोसे ही नहीं। ये मास्क, आइस, ये सारा अभी सर्चिंग की तैयारी है, अभी सर्चिंग की तैयारी है। हाँ। उठते हैं, इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या होती है। मेरा नंबर 9575585834। बिल्कुल, तो कोई भी लीकेजिंग हो तो भाई से कांटेक्ट जरूर करना, मैं इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है ना। 1 2 3 स्टार्ट, ये तो गए। ये अब पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है कहाँ नहीं, बोलेंगे ना बबल्स वहीं पे रहेंगे ये शायद। तो गए तो भाई साहब, अब क्या बताऊँ कहाँ है ये, कुछ पता है भाई साहब कहाँ गए? गए तो यहाँ से, पर कहाँ गए ये बताओ आप? वो वहाँ पे गए। अच्छा, वो यहाँ ये बबल्स जो निकल रहे हैं फुगे वहाँ पे ये है, तो ये अंदर चेक कर रहे हैं। और आपको सीमेंट लाने के लिए बोला है, तो प्रस्थान करो, सीमेंट लेके आओ, दोनों गाड़ी यहाँ पे ले आओ। तो पिताजी आपका क्या मत है इस पे, क्या बोलना है कि ये मामला जो चल रहा है ये सक्सेस होगा कि नहीं? ये अंदर गए भाई साहब, क्यों नहीं होगा, सक्सेस होगा होगा। तो ये लीकेज ढूंढ के फिर इसको रिपेयर करेंगे, हो जाएगा रिपेयर। तो अपने लिए बहुत अच्छी फायदे की बात है कि ये भी सुविधा है, क्योंकि ये डैम जब लीकेज होता है तो पानी सारा जाने की समस्या होती है। तो इसमें लीकेजिंग कम थी, तो 1 इंच रोज का जा रहा था, तो भाई ने मतलब अंडर वाटर वाला आया और ये चेक कर रहा है। अब देखते हैं कैसा क्या मामला रहता है। तो भाई ने हाथ ऊंचा किया है, बुला रहे हैं मेरे को, ये बाहर आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनको लीकेज पता चल गया है, तो मैं जा रहा हूँ अभी। जलपरी तो नहीं, जलपरा बोल सकते हैं इनको। क्या हुआ, मिल गया? तो ऊपर ही है, पत्थर आ गया था। हाँ तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी इनको पता चल गया है कि लीकेजिंग कहाँ पर है, और इन्होंने मुझे बुलाया, इनका मोबाइल भी कब से बज रहा है। आ रही है सीमेंट, बाल्टी कपड़ा और सीमेंट तीनों। ये आपका मोबाइल बज रहा था कब से? तो कितने फीट अंदर यहाँ से?
15-20 फीट अंदर लीकेजिंग है, इसकी वजह से पानी जा रहा था। मतलब मैंने गलत कॉन्टेक्ट नहीं किया आपसे, वो भाई साहब बोल रहे थे एक दो दिन देखो, मैंने देखा, मैंने कहा इतना पानी जा रहा है, तो उस कोने से छलांग लगाई अंदर अंदर होते होते इस कोने पे आए, उनको बहुत ही जल्दी लीकेजिंग पता चल गया। और उसके बाद अब क्या बोलूँ इनके लिए, जल परी तो नहीं जल परा बोल सकता, बहुत प्यारा। तो अंदर गए भाई साहब मोबाइल लेके कैमरा लेके, तो अंदर से रिकॉर्ड करके लाएंगे ये कि कहाँ पर छेद कैसा है, और पत्थर की वजह से आया ये तो बता दिया इन्होंने, तो बताते हैं वापस मोबाइल ला के ढूंढने का काम चल। तो मैं आपको बताता हूँ पानी कितना जा रहा था, ये देख सकते हो हर दिन का 1 इंच पानी जा रहा था, 7 दिन का गया हुआ पानी है, आप देख रहे हो ये जो लेयर दिख रही है साफ साफ पानी की, तो इस तरीके का मामला था। मेरे को मत ले लेना अंदर, इसी बहाने आपसे हाथ मिला लिया मैंने, हो गया वीडियो है ना। सीमेंट कपड़ा तो थैली पड़ी ना उस पे, हाँ 5 किलो सीमेंट मंगा दो, हाँ उसे फाड़ के, ठीक है कहीं। तो दोस्तों ये सीमेंट का यूज़ करेंगे लीकेज बुरने के लिए, लीकेज को दबाने के लिए, हो जाएगी 5 किलो आराम से, थोड़ा को ले ले वहाँ बत्ती रहेगा चलेगा। तो इस तरीके से पता नहीं इनका क्या केमिकल है दूसरा, उसको इसके साथ मिक्स करके करेंगे काम। ये केमिकल है, ये केमिकल है बाल्टी में, पता नहीं क्या है जो भी है। तो ये 5 किलो सीमेंट हो गई, अब जा रहे हैं हम इसको लेके, चलो। ये केमिकल है कुछ पता नहीं क्या है, बाकी ये सीमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। हाँ किसी भी किसान भाई को डैम की लीकेजिंग की समस्या हो तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ठीक है कितना डालना वो देख लो ना आप। मतलब आटा गूंथने का काम हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, घर पे खाना आप ही बनाते होंगे। मतलब बच्चे जैसे मिट्टी से खेलते हैं ऐसे भाई साहब सीमेंट से खेल रहे हैं। भैया महंगी है बहुत, 350 रुपये। हाँ पानी तो है ही सही पर सीमेंट भी महंगी, ये बात सही है। जैसे क्या बोलते हैं जल है तो जीवन है, वो तो यही सही, वही है बस। सही बात है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं हवा पानी आग ये तीन ना हो तो जीवन है ही नहीं, इनको खेलना ही नहीं चाहिए। सही बात है, तो वो क्या है आपका काम है ना, कपड़ा दे दो। आपका एक्सपीरियंस भी होगा काफी सालों का, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए तभी तो आप बिना डरे कुछ जाते हो, नहीं तो हमारे जैसे के तो हमारे मध्य प्रदेश में मेरे को 7 साल हो गए। अच्छा वाह यार बढ़िया है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये मतलब लीकेजिंग का काम हो सकता है अंदर जाके, मतलब सब संभव है आज के आधुनिक जमाने में। मेरा मोबाइल ले लेना साथ, उधर उधर ही अभी नीचे है, ठीक है। सीमेंट लेके उतर गए अंदर, क्या बात है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये अंदर छेद भरने जा रहे हैं कि घर बनाने, वही क्यों काम है नहीं। तो ये आधे से ऊपर डैम में चेकिंग हो गई है, एक हैं उसको लीकेजिंग उसको तो कंप्लीट कर दिए हैं, और अब ये भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं। ये क्या है कि ना ऑक्सीजन लेते हैं तो वापस छोड़ते हैं, तो ये बबूले बनते हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे, पर अंदर कितना है ये पता नहीं है। मिशन सक्सेसफुल, सब दूर देख लिया, तो बारीक भी होता है तो पता चल जाता है बिल्कुल। अच्छा लेंस, अच्छा बड़ा दिखाता है, काला कलर की स्विच है ना।